निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत पहली बार 77 MLD जलशोधन संयंत्र के पास RRR सेंटर स्थापित किया गया है। महापौर नीरज पाल के निर्देश पर महापौर परिषद के सदस्यों सहित निगम के अधिकारियों एवं आम नागरिकों की उपस्थिति में RRR रियूज रिड्यूज रिसाइकल केंद्र का शुभारंभ किया गया। RRR सेंटर का प्रमुख उद्देश्य अपशिष्ट को फिर से उपयोग में लाना, अपशिष्ट को कम करना तथा रिसाइकल एवं पुनर्चक्रण करना है। माई लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के तहत अपशिष्ट को जन सहभागिता से कम करके रीयूज रिड्यूस रिसाइकल करने RRR सेंटर खोला गया है। 20 मई से 5 जून 2023 तक माई लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान में अपशिष्ट कम करने, अपने घरों के पुराने अनुपयोगी सामानों, वस्तुओं, पुरानी किताबें, रद्दी पेपरों, प्लास्टिक के पुराने सामानों, पुराने जूते, चप्पलों, पुराने कपड़ों, पुराने बर्तन, पुराने अनुपयोगी ई वेस्ट जिसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कहा जाता है आदि पुराने अपशिष्ट सामानों को अधिक से अधिक मात्रा में RRR केंद्रों में पहुंचाकर समाज हित में तथा पर्यावरण संरक्षण के कार्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। भिलाई निगम आयुक्त रोहित व्यास ने भी शहर के नागरिकों से अपील की है कि पुराने अनुपयोगी सामग्रियों को RRR सेंटर में अधिक से अधिक दान करें ताकि जरूरतमंद लोगों को इन सामग्रियों को दिया जा सके। देखिए, मेरा लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के तहत में RRR जो रीयूज है, रिड्यूज है और रिसाइकल है, उसको लेकर के इसकी स्थापना नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में की गई है। एक्चुअल में इसका जो उद्देश्य है वो है कि जो अनुपयोग वस्तुएं होती हैं, जैसे जूता चप्पल हो गए, कपड़े हो गए, पुराने बर्तन हो गए और इस टाइप के पुराने जो सामग्रियाँ हो गई, उनको घरों से जो अपशिष्ट होते हैं जिनका उपयोग नहीं होता है और उनको लोग कचरे में उस टाइप पर डाल देते हैं, तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो जिनको RRR सेंटर में दान दिया जा सकता है और उस सेंटर से जो अनुपयोगी वस्तु हैं वो तो उनके लिए अनुपयोगी है जो जिन्होंने दान किया है, लेकिन उनके लिए उपयोगी होती है जो उनके लिए रिक्वायरमेंट के जो वाकई में ज़रूरतमंद लोग होते हैं, तो उनके उनको ज़रूरतमंद लोगों को उनको प्रदाय किया जा सकता है, तो उनको RRR सेंटर के माध्यम से दान दिया जा सकता है। अपन नगर पालिक निगम भिलाई के अपील भी है कि जो ऐसे अनुपयोगी पुराने सामग्री हैं जिनका कोई उपयोग लोग नहीं कर रहे हैं, वो नागरिक जो हैं बटालियन के सामने SLM सेंटर जो स्थित है, जहाँ पे RRR सेंटर की स्थापना हुई है, वहाँ पर जमा कर सकते हैं और उसके माध्यम से जो है उसको रीयूज रिड्यूस और रिसाइकल के माध्यम से जो ज़रूरतमंद लोग होंगे उनको हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। RRR सेंटर में कोई भी व्यक्ति अपने पुराने सामग्रियों को यहाँ जनहित में देकर अपनी महती जिम्मेदारी निभा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।